अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुक बुक विद अमर। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ चिकन जलफ्रेजी की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिए। एक वॉक लेंगे, उसके अंदर 4-5 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें 1/2 कप चॉप्ड अनियन ऐड कर देंगे और साथ ही हमने इसके क्यूमिन सीड्स 1/2 टीस्पून ऐड कर देना है। देन हमने इसको सॉटे करना है 1-2 मिनट्स के लिए, जब तक अनियन सॉफ्ट नहीं हो जाती। फिर हम इसके अंदर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे, 1/2 kg ब्रेस्ट पीस लेना है और उसको स्ट्रिप्स में कट कर लेना है और हमने इसको कुक करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, देन इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून, होल स्पाइसेस पाउडर यानी गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। अब हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी 3 टेबलस्पून, ये मैंने टमाटर लेके इसको ग्राइंड कर लिया था। देन चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून, ये सब ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके कुक करेंगे 10-15 मिनट्स तक, जब तक चिकन हमारी टेंडर नहीं हो जाती। 15 मिनट्स के बाद जब चिकन टेंडर हो जाएगी फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड बेल पेपर 1/2, अनियन 1 स्मॉल, कैप्सिकम 1 होल, इन सबको भी हमने जूलियन कट कर लेना है और इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके कुक होने के लिए रखेंगे 2-3 मिनट्स के लिए। चिकन जलफ्रेजी रेडी है। इसको सर्व कीजिए फ्राइड राइस या फिर रोटी के साथ। कुछ लोग इसको नूडल्स के साथ भी सर्व करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।